नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत प्रत्यास्थापन का साम्य सिद्धांत के बारे में, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस सिद्धांत से संबंधित जो प्रमुख दो केस है, लेजली बनाम शील और खानगुल बनाम लाखन सिंह, इनको भी हम जो है काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा जो टॉपिक है लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर फर्स्ट सेम में हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इन बातों को पढ़ना रहता है। ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज किया जाता है, इसको हम दो प्रमुख सिद्धांतों से, दो प्रमुख केस से समझने वाले हैं। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। प्रत्यास्थापन का साम्य सिद्धांत अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोहरी बीबी बनाम जो धर्मोदास घोष वाला केस है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। धर्मोदास घोष, ठीक है, ये एक केस था। एक्चुअल में यहाँ पर इसके जिक्र क्यों आया है तो हम इसको समझते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि हमने जो संविदा अधिनियम, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके सेक्शन 10 में, उसकी धारा 10 में हम ये देखते हैं कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व दिए हुए। तो उन वैध संविदा के आवश्यक तत्व में एक तत्व होता है सक्षम पक्षकार, अर्थात जो पक्षकार है वो सक्षम होना चाहिए। और सक्षम पक्षकार को सेक्शन 11 में समझाया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि वो अवयस्क नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ चित्त का होना चाहिए और उसको विधि के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है अवयस्क की बात आती है कि मान लीजिए अगर वो अवयस्क है तो क्या वो संविदा कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर वो अपने आप को झूठ बोल दे कि नहीं मैं वयस्क हूं और वो अवयस्क होता है, और फिर वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूप होता है, उसके बारे में प्रत्यास्थापना का साम्य सिद्धांत जो है प्रकाश डालता है। तो आइए इस सिद्धांत को हम अच्छे से समझते हैं। तो प्रत्यास्थापक का साम्य सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई अवयस्क कपटपूर्ण दुरुपदेशन द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उस संपत्ति को या उस वस्तुओं को वापस करने को बाध्य किया जा सकता है। तो ये कहता है प्रत्यास्थापना का साम्य सिद्धांत। जैसा कि हमने मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के घोष के केस में देखा था कि यहाँ पर धर्मोदास घोष जो होता है अवयस्क होता है और वो मोहरी बीबी के हस्बैंड ब्रह्मोदत्त से जो है अपनी संपत्ति रखकर कुछ पैसा ले लेता है। बाद में उसकी जो पेरेंट्स होते हैं इसके अवयस्क के, वो जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करवा लेते हैं। बाद में फाइनल जब बात जाता है तो प्रिवी काउंसिल भी जो है अवयस्क के हित में जो है फैसला देता है और ये बोलता है कि वो चूंकि अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारंभ से शून्य होती है, इसलिए वो ना तो पैसे देगा ना जमीन देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है, हालांकि इस वाद में एक बात निकल कर ये आई थी कि मोहरी बीबी जो ब्रह्मोदत्त था उसका एजेंट केदारनाथ को इस बात की सूचना थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इससे तो जो अवयस्क रहेंगे उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, ठीक है, एक प्रकार के धोखा कपटपूर्ण नीति चली जाएगी। तो उसी को बैलेंस करने के लिए जो है प्रत्यास्थापना का साम्य सिद्धांत आता है और ये कहता है कि अगर अवयस्क जो है धोखेपूर्ण से, कपटपूर्ण से, ये झूठ बोल के कि नहीं मैं वयस्क हूं, कोई संपत्ति प्राप्त करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसे उस संपत्ति को या वस्तु को वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस वाद के आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं। तो अंग्रेजी विधि के अंतर्गत किसी, अब हम थोड़ा अंग्रेजी विधि को देख लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत हद तक जो है प्रीवी काउंसिल के प्रमुख वादों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर अंग्रेजी विधि का जिक्र करना जरूरी है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क को ऐसी संपत्ति या वस्तुओं को तब तक वापस करने को बाध्य किया जा सकता है जब तक वो पहचाने जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की, अगर उस संपत्ति को पहचान लिया जाए कि हाँ यही उमुक संपत्ति ली गई थी, तो उसको अवयस्कों को बाध्य किया जा सकता है। बाद में कहते हैं कि धन जो है सामान्य रूप से पहचाना नहीं जाता है, इसलिए जो धन है अवयस्कों को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है
लेजली बनाम शील का। तो लेजली बनाम शील और खानगुल बनाम लाखन सिंह के वाद को हम अच्छे से समझते हैं। आइए लेजली बनाम शील की बात करते हैं। यहाँ पर अब दो पार्टी होती है, सिंपल सी बात है। एक वो होती है जो वाद लाती है और जिसके विरुद्ध लाती है वो प्रतिवादी होता है। तो यहाँ पर प्रतिवादी जो होता है वो अवयस्क होता है, ठीक है। और केस में जनरली जो नाम भी पहले होता है वो वादी होता है, अर्थात वो केस लाता है, और जिसके जो बाद में है उसके अगेंस्ट लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिवादी जो है अवयस्क था और वो धोखे से क्या करता है, वादी यानी कि लेजली से 200-200 रुपये पाउंड प्राप्त कर लेता है, ठीक है। कब किसके द्वारा, कपटपूर्ण दुर्योपदेशन द्वारा। अब वादी जो होता है 475 पाउंड उससे मांगता है ब्याज सहित उसको वापस करने के लिए, और वो मना कर देता है देने से। तो वो क्या करता है, केस करता है। वो प्रतिवादी इस बात का आधार पर विरोध करता है कि वो जब उसने पैसा लिया था तब वो क्या था, अवयस्क था। अब न्यायालय ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि 1913 तक के निर्णयों से स्पष्ट हो गया है कि जब कोई ठीक है कि जब कभी कोई अवयस्क, यहाँ पर ये अवयस्क है, अपने को वयस्क बताकर कुछ लाभ प्राप्त करता है तो साम्य के सिद्धांत के अनुसार उसे इस लाभ को वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये तर्क दिया गया, लेकिन न्यायालय कहता है चूंकि धन को नहीं पहचाना जा सकता है इसलिए अवयस्क द्वारा की गई संविदा जो होती है शून्य होती है, और इस पर संविदा के अंतर्गत कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। वैसे कोई संपत्ति प्राप्त की है, अगर उसे पहचाना जा सकता तो उसे संपत्ति को लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता था, परंतु धन सामान्य रूप से पहचाना नहीं जाता और इसका द्वारा उसे वापस करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिवादी के यानी कि अवयस्क के हित में जो है फैसला आता है ये कहकर कि धन को पहचाना नहीं जा सकता है। अब इसी प्रकार का एक केस है और है जो लेजली बनाम शील का अपोजिट था, जो है खानगुल बनाम लाखन सिंह का वाद। इस वाद में भी क्या होता है कि प्रतिवादी जो होता है अवयस्क होता है और वो अपनी भूमि बेचकर 17,500 उस समय के हिसाब से 17,500 रुपये प्राप्त करता है। वादी ने अब वादी मतलब यहाँ पर जो है खानगुल है बनाम लाखन सिंह है, ये अवयस्क है और क्या करता है, ये अपनी भूमि को बेचकर या जो है इतने पैसे प्राप्त करता है। अब ये जब वादी भूमि पर कब्जा करना चाहता है तो वो जो इस बात को लेकर जो है विरोध करता है कि जब उसने इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अवयस्क था, तब वहाँ पर वादी जो है केस लेकर आता है और भूमि पे कब्जे के लिए प्रस्तुत दावा जो है प्रस्तुत करता है। और धन प्राप्त करते समय प्रतिवादी ने कपटपूर्ण दुर्योपदेशन किया था कि वह वयस्क है, बाद में उसने तर्क दिया कि वह अवयस्क था तथा उक्त संविदा के अंतर्गत उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके वाद आता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यहाँ पर वो ये कथन करते हैं कि संपत्ति तथा धन लौटाने में केवल यही अंतर है कि संपत्ति को पहचाना जा सकता है और धन को पहचाना नहीं जा सकता। अधिनियम यह नहीं कहता कि क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश शादीलाल, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर शादीलाल रहता है, वो जो होते हैं मतलब वादी के पक्ष में फैसला देते हैं और ये कहते हैं कि अवयस्कों को बाध्य किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने पैसा लिया है तो क्योंकि उसने धोखे से पैसा लिया इसलिए उसको पैसा लौटाना होगा। तब भारत में न्यायालयों ने अवैध करार को ऐसी परिस्थितियों में धन लौटाने को बाध्यकारी बता दिया, ठीक है, क्या हुआ, बाध्यकारी बता दिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के वाद में जो फैसला है अवयस्क के हित में गया था, लेजली बनाम शील में भी जो है फैसला अवयस्क के हित में गया था प्रत्यस्थापना का साम्य सिद्धांत के बावजूद, लेकिन खालगुल बनाम लाखन सिंह के वाद में न्यायालय जो है फैसला अवयस्क के हित में नहीं देता है और बोलता है कि अगर आपने पैसा लिया है उक्त पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपने धोखे से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन हाल ही के बाद में फिर एक और केस आता है, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदनलाल का। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट होता है वो क्या करता है, यहाँ पर लेजली मतलब इस सिद्धांत है खानगुल बनाम लाखन सिंह के वाद के बाद भी जो है लेजली बनाम शील का जो है सिद्धांत को उचित ठहराते हैं और यहाँ पर भी फैसला जो है अवयस्क के हित में आता है, ठीक है। लेकिन बाद के समय में क्या होता है कि भारत कि जो विधि कमीशन है वो खालगुल बनाम लाखन सिंह के वाद को ही जो है मुख्य रूप से उचित बताते हैं और साथ में ही यहाँ पर जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 33 में एक नई उपधारा 33(2)(b) को जोड़कर स्पष्ट कर देते हैं कि कभी प्रतिवादी किसी बात का विरोध इस आधार पर करता है कि जब उसने संविदा की थी
तो वह अवयस्क था, तो यह अवयस्कता न्यायालय उस पक्षकार को जिसने उसने धन प्राप्त किया धन उठाने को या देने को बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर खानगुल बनाम लाखन सिंह का बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिससे कि अगर कोई अवयस्क धोखा करके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे पैसे देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, वो जो कि केस की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये दोनों बात जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यास्थापना का साम्य सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर कोई अवयस्क धोखे से कोई संपत्ति लेता है या तो उसे क्या है वो संपत्ति को देने के लिए बाध्य किया जा सकता है अगर उसे पहचाना जा सके। तो हाल ही के कुछ ऐसे मैटर आते हैं जिसमें कि धन के विषय में बात होती है। तो लेस्ली बनाम शील में हमने देखा कि धन को नहीं पहचाना जा सकता तो अवयस्क के हित में था, लेकिन खालगुन बनाम लाखन सिंह के वाद में यहाँ पर ये कथन उभर कर आता है कि धन को उसे लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और साथ में ही जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में जो है चेंज किया जाता है। तो ये इस सिद्धांत की जो है इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।